कोडरमा में घटते लिंग अनुपात पर विधायक नीरा यादव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने जिला प्रशासन को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए भ्रूण हत्या जैसे मामलों आने पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोडरमा में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन लिंग अनुपात में कमी आ रही है, ये पूरे जिले के लिए चिंता का विषय है। चिंता करने वाला ही है। जिस प्रकार से लिंगानुपात हमारे यहाँ दिनों दिन इतना ज़्यादा अंतर होते जा रहा है, तो हम इसमें आम लोगों से ये ज़रूर आग्रह करना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से जांच कराते हैं कि भाई लड़का है या लड़की है, तो आपको अगर लड़का है तो फिर कल उसके लिए बहू ढूंढिएगा। अरे तो बेटी ही नहीं रहेगी तो बहू आपको कहाँ से मिलेगी अच्छी बहू। कहते हैं कि लक्ष्मी चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो जब लक्ष्मी ही घर में नहीं आने दीजिएगा तो सुख शांति कहाँ से आएगी। और आज के इस विचारधारा का हम घोर विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं। जो भी माताएं बहने या जो भाई बंधु ऐसे नेचर के हैं जो कि आज इसमें उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लिंगानुपात को इस तरह से कम करने का और इस तरह डिफरेंस करने का जो तरीका है, हर हाल में हम इसकी निंदा करते हैं। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आप बोले ना कि कोडरमा में उपायुक्त से लेके एसडीओ से लेके बीडीओ से लेके विधायक केंद्रीय मंत्री तक महिला हैं। सच्चाई है, हमें गर्व है और हमें गर्व है अपनी माँ पे जिसने 9 बेटी को जन्म दिया लेकिन कभी जाँच नहीं करवाया। आज कहाँ चल गए हम? आज क्या हम इतने आगे बढ़ जा रहे हैं कि हम अंधे हो जा रहे हैं? आज हम जांच करवाने जाते हैं, लड़की अगर आई तो हम भ्रूण हत्या करा देते हैं? इससे गलत और कुछ नहीं हो सकता है। कल वो तरसेंगे और कल अच्छी बहू की